फतेहपुर उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का एक प्रमुख व ऐतिहासिक जिला है। फतेहपुर जिला गंगा व यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। आजादी की लड़ाई में फतेहपुर जिला के लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस बात की गवाही आज भी फतेहपुर जिला में मौजूद व इमली का पेड़ है, जहां पर सन 1858 में 52 स्वतंत्रता सेनानियों को ब्रिटिश सेना ने फांसी दी थी। दोस्तों, फतेहपुर जिला का क्षेत्र पर जो है वो कई सारे राजाओं ने राज किया है। यह जिला आज भी कई सारे राजाओं के रियासतों के उत्थान व पतन की गवाही देता है। दोस्तों, फतेहपुर जिला कई सारे पड़ोसी जिलों के साथ जो है घिरा हुआ है, जिसमें रायबरेली जिला, कौशाम्बी जिला, हमीरपुर जिला, चित्रकूट जिला, बांदा जिला और कानपुर जिला है। लगभग 4052 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इस जिले की जो कुल आबादी है वो 26,32,000 है। 26,32,000 में कुल 13,84,000 पुरुष तथा 12,48,000 महिलाएं जो है वो इस जिले में मौजूद है। इस जिले की मुख्य नदी का नाम यमुना व गंगा नदी है। यमुना नदी फतेहपुर को बांदा, चित्रकूट व हमीरपुर से बांटती है, जबकि गंगा नदी उन्नाव व रायबरेली को फतेहपुर से बांटती है। दोस्तों, गंगा व यमुना नदी के किनारे पर स्थित फतेहपुर जिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 121 किलोमीटर तथा देश की राजधानी यानी कि नई दिल्ली से 570 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यातायात की बात करें तो फतेहपुर जिला जो है वो रेल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग यानी कि तीनों मार्गों से जो है वो अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नंबर एक, रेल मार्ग। फतेहपुर रेलवे स्टेशन फतेहपुर जिला का मुख्य रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन में 3 प्लेटफॉर्म मौजूद है। इसका स्टेशन कोड FTP है और इस रेलवे स्टेशन की जो स्थापना है वो 1859 में हुई थी। बाद में 1966 से 1967 के बीच जो है वो इस रेलवे लाइन को इलेक्ट्रिफाई किया गया था। हावड़ा दिल्ली मेन लाइन, हावड़ा गया दिल्ली मेन लाइन और मुगल सराय कानपुर सेक्शन पर स्थित यह रेलवे स्टेशन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन के इलाहाबाद डिवीजन के अंतर्गत आता है। सत्याग्रह एक्सप्रेस, गोंडा एक्सप्रेस, सीतापुर एक्सप्रेस जैसे आदि ट्रेनें जो है वो इस रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती है, जिसके माध्यम से यहाँ के जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों में जा सकते हैं। नंबर दो, सड़क मार्ग। नेशनल हाईवे संख्या 2 जो कि इलाहाबाद को कानपुर से जोड़ती है, इस जिले से होकर गुजरती है। इसके अलावा इस जिले में और भी कई छोटे बड़े सड़क बाईपास मौजूद हैं, जिसके माध्यम से यहाँ के जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों तक जा सकते हैं। इसके अलावा फतेहपुर बस स्टैंड के माध्यम से जो है लखनऊ, कानपुर, दिल्ली आदि बड़े शहरों तक जो है वो नियमित बसें संचालित की जाती है। नंबर तीन, हवाई मार्ग। वैसे तो फतेहपुर जिला में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है, परंतु कानपुर एयरपोर्ट यहाँ से 71 किलोमीटर, लखनऊ का एयरपोर्ट 92 किलोमीटर तथा खजुराहो का जो एयरपोर्ट है वो यहाँ से 152 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ से जो लोग हैं वो अपनी वायु मार्ग जो है यात्रा कर सकते हैं। जाति धर्म के आधार पर फतेहपुर जिला में 86% हिंदू तथा 13% जो है वो मुस्लिम धर्म के लोग निवास करते हैं। दोस्तों, फतेहपुर जिला जो है वो अपने खूबसूरत जगहों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। हर वर्ष हजारों सैलानी जो है वो खूबसूरत जगहों को देखने के लिए फतेहपुर में आते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि वो कौन सा खूबसूरत जगह है जिसके बिना फतेहपुर जिला की जो खूबसूरती है वो अधूरी है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नंबर एक, ओम घाट फतेहपुर। गंगा नदी के किनारे पर स्थित ओम घाट यह वह स्थान है जहाँ पर प्रसिद्ध संत भृगु ने लंबे समय तक पूजा की थी। यह गंगा नदी के बहाव उत्तर दिशा में यहाँ पर होता है, जो धार्मिक दृष्टि से अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नदी के किनारे बसे होने के कारण यह ओम घाट जो है वो अपने ओर पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह घाट फतेहपुर जिला के मुख्य पर्यटक स्थलों में से एक माना जाता है। नंबर दो, शिवराजपुर गांव। फतेहपुर जिला के बिंदकी के निकट गंगा नदी के किनारे पर बसा शिवराजपुर गांव, इस गांव में भगवान कृष्ण का एक बहुत ही पुराना मंदिर है, जो मीराबाई मंदिर के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की मूर्ति को मीराबाई, जो भगवान की परम भक्त थी और मेवाड़ के शाही परिवार की सदस्य, उनके द्वारा स्थापित किया गया है। आज के समय में भी मीराबाई द्वारा स्थापित यह कृष्ण भगवान का मंदिर फतेहपुर जिला के बिंदकी में मौजूद है, जो कि सिराजपुर गांव में स्थित है।
नंबर 3 बिंदकी। यह एक बहुत पुराना शहर है जो कि जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। बिंदकी का नाम राजा बेनकी के नाम पर पड़ा है। यहाँ की भूमि गंगा व यमुना नदी के कारण काफी उपजाऊ है। बिंदकी उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा पुराने तहसीलों में से एक है। शहीद जोधा सिंह अटैया और कई सारे अन्य स्वतंत्रता सेनानियों और हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध राष्ट्र कवि सोहनलाल द्विवेदी का जो जन्म स्थल है वो इसी बिंदकी में हुआ था। इसके अलावा और भी कई सारे स्वतंत्रता सेनानी जो है वो इस जगह पर जन्म ले चुके हैं। नंबर 4 बावन इमली का पेड़। दोस्तों यह वही स्वतंत्रता संग्राम का बावन इमली का पेड़ है जहाँ पर सन 1858 में 52 स्वतंत्रता सेनानियों को ब्रिटिश सेना ने फांसी दी थी। दोस्तों इस नरसंहार के बाद जो है वो इमली का पेड़ का जो विकास है वो रुक गया, ये वहाँ के लोगों का मानना है। लेकिन दोस्तों यह इमली का पेड़ जो है वो आज भी फतेहपुर जिला में स्थित है और इस बात की गवाही देता है कि फतेहपुर जिला के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में कितना भाग लिया था। दोस्तों यह इमली का पेड़ काफी स्वतंत्रता सेनानियों का एक महत्वपूर्ण बलिदान का स्थल भी है। नंबर 5 हजारीलाल का फाटक। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का केंद्र बिंदु शहर के चौक स्थित हजारीलाल फाटक था। बलिया के कर्नल भगवान दास सिंह जिले के 800 से अधिक देशभक्त सेना के साथ इसी स्थान पर कमान संभाले थे। हजारीलाल का फाटक आज ही फतेहपुर जिला में मौजूद है। दोस्तों इसके अलावा इस जिले में और भी कई सारे खूबसूरत जगह हैं जिनकी व्याख्या जो है वो एक वीडियो में करना संभव नहीं है। दोस्तों फतेहपुर जिला जो है वो 3 तहसीलों में बटा हुआ है, फतेहपुर सदर, बिंदकी और खागा। इसके अलावा यहाँ पर 13 ब्लॉक, 20 पुलिस स्टेशन और 9 सरकारी अस्पताल, 6 मुख्य कॉलेज और 1521 गाँव जो है वो फतेहपुर जिला में मौजूद है। जनसंख्या के आधार पर फतेहपुर जिला में 12% जो लोग हैं वो शहरों में रहते हैं, बाकी 88% जो लोग हैं वो आज फतेहपुर जिला के गांवों में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। दोस्तों फतेहपुर जिले का जो हेडक्वार्टर ऑफिस है वो फतेहपुर जिला में मौजूद है और फतेहपुर जिला प्रयागराज डिवीजन के अंतर्गत आता है। इस जिले की जो लिंगानुपात है वो 901 के करीब है, यानी कि जिला में 1000 पुरुष पर 901 महिलाएं मौजूद हैं। अगर शिक्षा की बात करें तो इस जिले का जो साक्षरता दर है वो 58% है, यानी कि यहाँ के आबादी के 58% जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं। आनंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, महात्मा गांधी डिग्री कॉलेज, लाते हरिलाल सिंह महाविद्यालय, चंद्रिका बालिका इंटर कॉलेज जैसे आदि तमाम प्राइमरी व गवर्नमेंट स्कूल जो है वो इस जिले में मौजूद है जो कि यहाँ के बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा मुहैया प्रदान कराते हैं। अगर व्यवसाय की बात करें तो इस जिले का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि पर आधारित है। गंगा व यमुना नदी के किनारे पर बसे होने के कारण यहाँ की जो मिट्टी है वो काफी उपजाऊ है। धान, गेहूं, गन्ना, मक्का इस जिले की जो है वो मुख्य फसलें हैं। परंतु जिले में कोई बड़ा उद्योग न होने के कारण यहाँ के जो लोग हैं वो रोजगार पाने के लिए उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों की तरह जो है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आदि बड़े शहरों की ओर जो है वो पलायन करने पर मजबूर है। दोस्तों इस जिला के बारे में यानी कि फतेहपुर जिला के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियोस पूरा देखने के लिए आपको दिल से शुक्रिया।